फटाफट ऐप 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ओह सच इज लाइफ, सच इज लाइफ यानी यही जिंदगी है। ये है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन, जिन्होंने देश में बढ़ रहे कोरोना के केसेस के लिए लगाए प्रतिबंधों के बीच अपनी शादी ही कैंसिल कर दी। दुनिया भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कम होने का नाम नहीं ले रहा, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड, जहां एक वक्त में कोरोना का एक भी केस नहीं था, वहां फिर से प्रतिबंध लगने शुरू हो गए। 23 जनवरी से यहां मास्क को अनिवार्य कर दिया गया। इसके अलावा किसी भी तरह के सोशल इवेंट्स पर भी रोक लगा दी गई, जहां ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं। यहां तक कि शादी जैसे कार्यक्रमों में भी मेहमानों की संख्या को सीमित कर दिया गया। कोरोना काल में दुनिया के तमाम प्रभावशाली नेताओं की अपनी जनता के सामने पोल खुल गई। कभी इंग्लैंड के पीएम बोरिस जॉनसन लॉकडाउन के समय अपने कार्यालय में पार्टी कर रहे होते हैं और लोगों को अपनी अपनी शराब लाने के लिए कहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मिसाल पेश करते हुए बढ़ते कोरोना को देखते हुए न्यूजीलैंड की पीएम ने अपनी शादी को ही कैंसिल कर दिया। दरअसल न्यूजीलैंड में एक शादी के बाद ओमिक्रॉन के 9 केसेस मिले थे। इसके बाद यहां कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया। यहां एक परिवार ऑकलैंड से शादी समारोह में शामिल होकर प्लेन से साउथ आइसलैंड लौटा था। इसके बाद परिवार के सदस्य और फ्लाइट अटेंडेंट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद न्यूजीलैंड में प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया गया, जिसमें नए प्रतिबंधों के तहत बार और रेस्टोरेंट्स और शादी जैसे कार्यक्रमों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई। इसके अलावा अगर कार्यक्रम स्थल पर वैक्सीन पास नहीं है तो सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड में विदेशियों के लिए मार्च 2020 से बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं। सरकार ने ओमिक्रॉन के केसेस को देखते हुए इसे खोलने के फैसले को आगे बढ़ा दिया है। न्यूजीलैंड में 12 साल से ऊपर करीब 94% आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसके अलावा 56% आबादी को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए भी कठिन निर्णय लेने वाली जेसिंडा आर्डन है कौन। जेसिंडा 2017 में न्यूजीलैंड की पहली सबसे कम उम्र की पीएम बनी। 2021 में जनता ने उन्हें फिर से भारी मतों से जिता दिया। जेसिंडा के बल पर ही उनकी लेबर पार्टी को 50 साल में सबसे बड़ी जीत मिली। 2017 में पीएम बनने के बाद जेसिंडा ने 2018 में बेटी नीव को जन्म दिया। बेटी के पैदा होने के 3 महीने बाद ही जेसिंडा ने ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। कुछ समय पहले जेसिंडा का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो आपको जरूर याद होगा, जहां अपनी बेटी को सुलाने के लिए जनता के साथ फेसबुक लाइव कर रही जेसिंडा ने लाइव को ही बीच में रोक दिया और जनता से माफी मांग ली। I'm sorry, darling. It is taking so long. Okay. I'm sorry, everyone. I'm going to just go and put Neve back to bed because this is well past her bedtime. Thanks for joining me. I think I've covered everything that I wanted to share at this point anyway, but maybe I'll jump online for an extended version, an extended uninterrupted version. साल 2018 में जेसिंडा आर्डन कार्यकाल के दौरान मां बनने वाली दूसरी प्रधानमंत्री बनी थी। इससे पहले पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री रहते हुए मां बन चुकी हैं। आर्डन अपनी बेटी नेवे को लेकर न्यूयॉर्क की संयुक्त राष्ट्र महासभा भी जा चुकी हैं। आर्डन लंबे समय से अपने पार्टनर रहे क्लार्क गेफोर्ड से शादी करने जा रही थी 2022 में, लेकिन कोरोना ने उनके तमाम प्लान्स पर पानी फेर दिया है। 40 साल की जेसिंडा आर्डन 2019 में अपने बॉयफ्रेंड और टीवी होस्ट गेफोर्ड से एंगेज हुई थी। जेसिंडा आर्डन का जन्म न्यूजीलैंड के हैमिल्टन शहर में हुआ। पिता रॉस आर्डन एक पुलिस ऑफिसर थे और माँ लॉरेल एक कुक थी। राजनीतिक दुनिया में शुरुआत से ही आर्डन की रुचि रही। उन्होंने 2001 में 18 साल की उम्र में लेबर पार्टी ज्वाइन कर ली थी। आर्डन ने वाइकातो यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन स्टडीज की डिग्री हासिल करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क के लिए रिसर्चर के तौर पर काम भी किया था। आर्डन की समझ और मेहनत को देखते हुए लेबर पार्टी ने 2008 में उन्हें सांसद पद के लिए उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद पार्टी में सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें अगस्त 2017 में पार्टी का नेता चुना और पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। आर्डन ने इसके बाद पार्टी को एक नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में जीत दिलाई थी। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के हाल पर नजर डालें तो छोटा सा देश इस जंग में काफी हद तक कामयाब हुआ। हालांकि अब न्यूजीलैंड ने भी ये मान लिया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर उसे पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड की पीएम को अपनी ही शादी कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन जेसिंडा आर्डन की अपनी शादी को कैंसिल किए जाने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।